बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड लोली आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। आईएएस की कहानी सुनी, आरएस की कहानी सुनी, तहसीलदार की सुनी और आपको बता दें कि जो पुलिस अधीक्षक है उनकी भी कहानी सुनी, आपने लगातार थानेदार तक की भी कहानी सुनी, एक कर्मचारी की भी सुनी और एक राशन कार्ड बनाने वाली महिला की भी कहानी सुनी कि दलितों पर होने वाले जुर्म ज्यादती किस प्रकार होते हैं। आज एक नई घटना सामने आई है प्रधान अध्यापक के साथ। स्कूल में हेडमास्टर बहुत ही बड़ा पद होता है। आपको बता दें कि उस कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को हमेशा सम्मान की नजर से देखा जाता है और वैसे भी आपको बता दें कि मास्टर के आगे या किसी भी शब्द के आगे हेड जुड़ने का मतलब होता है कि वो उस संस्था का सब मालिक होता है। सरकारी हेडमास्टर के साथ यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी ने न केवल मारपीट की, गाली गलौज किया, बल्कि आपको बता दें कि चमार से लेकर जिस तरीके की गंदी भाषा का जुबान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए वैसा शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सरेआम किया गया। मामला पूरा समझाने की कोशिश करते हैं, आपको बता दें कि हौसले इतने बुलंद आरोपियों के कि उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में इतनी पहुंच है कि तुम्हारा मुकदमा भी दर्ज नहीं होने देंगे। और आज मामला 10 दिन पुराना हो चुका है, आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पूरा मामला आपको समझाते हैं, उत्तर प्रदेश का है जहां पर एक दलित कर्मचारी को जिला शिक्षा अधिकारी बसंत शुक्ला और जिला जो आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी बसंत शुक्ला उन्होंने एक दलित प्रधान अध्यापक राम शब्द को पूरी तरीके से ना केवल पीटा बल्कि उसके साथ गाली गलौज की और अपने गुंडों के द्वारा भी अपने साथी लोगों के द्वारा भी पिटवाने का मामला सामने आया और उसकी FIR दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी जा चुकी है, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तस्वीरें आप हमारे साइड में देख रहे हैं। आज आपको बता दें इस मामले को लेकर भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया और सुप्रीम कोर्ट के अष्ट आदेशों का हवाला भी इसमें दिया गया है। पूरा मामला आपको बता दें कि यहाँ का है जो कि महाराजगंज जौनपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ का यह मामला है। वहाँ पर एक दलित प्रधान अध्यापक है राम शब्द, उनके साथ आपको बता दें कि यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी बसंत शुक्ला ने मारपीट की। मामला ये था कि बसंत शुक्ला ने राम शब्द को पूछा कि आपकी कितनी सैलरी है वो कोरोना वायरस के पीड़ितों को देना चाहते हैं, तो इस पर राम शब्द ने कहा कि मैंने अपनी तरफ से कई परिवारों को, गरीब जो परिवार है उनको खाना और सहायता यानी जरूरतमंद जो आवश्यक सेवाएं थी वो मैंने लोगों को पहुंचा दी है। बस इसी बात को लेकर बसंत शुक्ला बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि चमारों की इतनी औकात नहीं है कि वो दान करें, आपको हमारे को पैसा देना था, किसको पूछकर आपने ये सब कुछ किया। बस इसी बात को लेकर वहां पर स्थानीय लोगों ने और आपको बता दें कि प्रधान अध्यापक के साथ बीजेपी के नेता और एक शिक्षक राजेश कुमार ने उनको बुरी तरीके से पीटा और बसंत शुक्ला खुद बेटे बेटे ये कहते रहे कि दलित समाज ये चमारों के लोग हैं वो सुधरेंगे नहीं, इनको इसी तरीके से सुधारा जा सकता है। आज आपको बता दें कि इस मामले को 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने आज अपने ट्विटर अकाउंट से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए लिखा है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह नहीं पता कि SC ST के अंतर्गत आने वाले मामले को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने और संज्ञान में लेने की सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो पुलिस है उसको ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट आखिर SC ST के मामलों में किस तरीके का संज्ञान लेने की बात कहती है। तो यानी कि एक तरीके से देखा जा सकता है लगातार आप किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाए आपके साथ जुल्म होते वक्त आपको कोई भी वहां पर पूछने वाला नहीं है। लगातार ये खबरें लॉकडाउन में जिस तरीके से आई है IAS RS और तो आपको बता दें कि प्रधान अध्यापक से लेकर लोकल लेवल के कर्मचारियों तक वो बहुत ही शर्मनाक है। मिलेंगे इसमें वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको